तो सबसे पहले हमने क्या पढ़ा था कि जो भी आपका फूड है इसको माउथ में हम क्या करते, क्रश करते हैं, ठीक है। तो चूइंग ऑफ फूड कन्वर्ट फूड इनटू दी बोलस और चंक, इसको अपन ने बोला था बराबर। जब अपन फूड को क्रश करते, ग्राइंड करते, च्यूइंग करते, तो उसमें आपका जो फूड है ये म्यूकस के साथ में, सलाइवा के साथ में मिक्स होता है, और सलाइवा के साथ में मिक्स होने के बाद में इसको हमने बोला था बोलस, बराबर। अब ये जो बोलस है ये एंटर करता है कहाँ पे, ये एंटर करेगा आपके इसोफेगस की तरफ, बराबर। तो सबसे पहले ये माउथ में है, माउथ से ये एंटर करेगा आपके सॉफ्ट पैलेट की तरफ। सॉफ्ट पैलेट जो है ये आपका नर्व सिस्टम के साथ में सिनेप्सिस फॉर्म करके होता है। तो ये जो सॉफ्ट पैलेट रहेगा ये इसका इंटरेक्शन किसके साथ में होता है, नर्व्स के साथ। तो जैसे ही फूड या फिर जो हमारा बोलस है ये जैसे ही सॉफ्ट पैलेट के साथ में इंटरेक्ट करता है तो नर्व इम्पल्सेस आपके एक्टिवेट होते हैं, और ये यहाँ पे फूड जो है या बोलस जो है इसको अंदर की तरफ पुश करेंगे। तो ये अनकंट्रोलेबल जो फोर्स होता है ये आपके बोलस को अंदर की तरफ पुश करता है, ठीक है। ये जो आपका सॉफ्ट पलेट होता है इसके साथ में कोई भी अगर आपका फूड हो या फिर कुछ भी, अपन ने अगर वो सॉफ्ट पलेट को टच किया तो वहां पे सॉफ्ट पलेट के जो इम्पल्स जनरेट होते हैं उसके वजह से आपका जो फूड है वो अंदर की तरफ पुश किया जाता है, उसको आप कंट्रोल नहीं कर सकते, ठीक है। उसको चाहकर भी आप बाहर नहीं निकाल सकते, वो आपके कंट्रोल में नहीं होता, ठीक है। तो सॉफ्ट पैलेट के साथ में जैसे ही फूड आपका इंटरेक्ट करता है, टच होता है, तो सॉफ्ट पैलेट उसको अंदर की तरफ पुश करता है। सॉफ्ट पैलेट अंदर की तरफ पुश करने के बाद में यहाँ पे ये पहुंच गया फैरिंग्स में। फैरिंग्स के बाद में यहाँ पे होता है आपका ईसोफेगस, और दूसरा है हमारे पास में दूसरा पाथ किसका है, एक जाता है एलिमेंट्री कैनाल में और एक जाता है आपका रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में, ठीक है। तो ये जो स्ट्रक्चर है इसको अपने बोला था एपिग्लॉटिस, बराबर है क्या। एपिग्लॉटिस जो है ये आपका जैसे ही फूड आपका एंट्री कर रहा है तो एपिग्लॉटिस आपके वाइंड पाइप को या रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट को क्लोज कर देता है। अगर ये क्लोज हो गया तो ये रीजन को अपन ने क्या बोला था, फैरिंग्स। आपका बोलस जो है अभी ये एंटर करेगा कहाँ पे एंटर करेगा, इसोफेगस में, ठीक है क्या यहाँ तक। हाँ सर, इसोफेगस और ये हमारा वाइंड पाइप था, मतलब ट्रकिया, ठीक है। अब ये एंटर करेगा, एंटर करेगा और ये आ गया आपका स्टमक के पास में, ठीक है। तो स्टमक के पास में अगर इसको भेजना है तो यहाँ पे एक स्मूथ मसल सेल जो है ये गेट फॉर्म करता है, इसको हमने बोला था क्या बोला था, इसोफेजियल स्पिंचर, बराबर। इसको हमने क्या बोला था,
इसोफेजियल स्पिंक्चर, ठीक है क्या? हाँ सर। अब देखो, हमारे पास दो टाइप के मसल्स होते हैं, जैसे अपने बोला था, ये एक आपका लॉन्जिट्यूडिनल मसल, ठीक है, जो अपना डाइजेस्टिव ट्रैक्ट होता है, या जो अपना ये एलिमेंट्री कैनल है, इसके सराउंडिंग में अपने इसका टीएस देखा था, तो इसके सबसे आउटर लेयर में दो टाइप के मसल होते हैं, स्मूथ मसल, एक होता है लॉन्जिट्यूडिनल और दूसरा होता है सर्कुलर, ठीक है। सर्कुलर जो है इसका काम होता है इस तरीके से कॉन्ट्रैक्ट करना, मतलब अगर ये इस तरीके से कॉन्ट्रैक्ट करेगा तो आपका डाइजेस्टिव ट्रैक्ट जो है, या जिसको अपन इसोफेगस बोल रहे हैं, ये आपका कॉन्ट्रैक्ट होगा, इसका डायमीटर कम हो जाएगा। तो इन केस ऑफ सर्कुलर मसल, आपका ये डायमीटर को कम करता है, मतलब ये ऐसा हो जाएगा बराबर। और इन केस ऑफ लॉन्जिट्यूडिनल मसल, ये आपका इतना लेंथ है इसका, ठीक है, तो ये इस तरीके से कॉन्ट्रैक्ट करेगा। अगर ये इस तरीके से कॉन्ट्रैक्ट करता है तो इसका लेंथ कम हो जाएगा, ठीक है, इसका लेंथ कम हो जाएगा, ठीक है क्या? समझ में आ रहा है क्या? तो ये जो मूवमेंट है दोनों भी एक्सिस में, एक्स और वाई एक्सिस दोनों में क्या हो रहा है, आपका कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन हो रहा है। एक्स एक्सिस में कर रहा है सर्कुलर मसल, और वाई एक्सिस में यहाँ पे आपको दिख रहा है लॉन्जिट्यूडिनल, तो इसको बोला जाता है पेरिस्टाल्सिस मूवमेंट। ठीक है क्या यहाँ तक? हाँ सर। तो फूड जो है आपका ये कहाँ पे एंटर करेगा रे? फूड जो है ये यहाँ से आपका इधर की तरफ पुश किया जाएगा, फूड आ गया आपका इस साइड में। जैसे फूड आता है तो आपका इसोफेजियल स्पिंक्चर ओपन होता है, और फूड अभी आपका एंटर हो गया स्टमक में। स्टमक के सेल क्या करते हैं, एससीएल का प्रोडक्शन करते हैं। एससीएल के साथ में जब आपका ये मिक्स होता है फूड या आपका बोलस, तो इसमें एससीएल के साथ साथ आपका जो हार्मोन है प्रोटीन को डाइजेस्ट करने के लिए, उसको अपन बोलते हैं पेप्सिन। तो पेप्सिन को भी यहाँ पे प्रोड्यूस किया गया, तो पेप्सिन और एससीएल यहाँ पे प्रोड्यूस होते हैं बराबर। तो एससीएल के प्रेजेंस में आपका जो फूड है ये फिर से हाइड्रोलाइज्ड होगा, हाइड्रोलाइज्ड होगा, और उसके बाद में ये जो आपके पास में जो फूड है उसको अपन क्या बोलेंगे, चाइम, ठीक है, यहां तक ठीक है क्या? ठीक है सर। उसके बाद में नेक्स्ट, अब जो फूड है आपका, ये फूड एंटर करता है कहाँ पे, ये फूड आपका एंटर करेगा स्मॉल इंटेस्टाइन में। तो स्मॉल इंटेस्टाइन में एंटर करने के पहले स्टमक और स्मॉल इंटेस्टाइन, इनके बीच में भी आपको एक गेट रखना पड़ता है, जिसको अपन स्पिंचर ही बोल रहे हैं, ठीक है। बट ये स्पिंचर जो है इसको अपन ने क्या बोला था, पायरोलिक स्पिंचर, ठीक है। तो प्रोटीन का डाइजेशन कहाँ पे स्टार्ट हुआ, प्रोटीन डाइजेशन स्टार्ट हुआ स्टमक में। फूड कार्बोहाइड्रेट का डाइजेशन कहाँ पे स्टार्ट हुआ, कार्बोहाइड्रेट का डाइजेशन माउथ में स्टार्ट हुआ, माउथ में। है ना। तो
कार्बोहाइड्रेट हाँ, का डाइजेशन माउथ में स्टार्ट हुआ और प्रोटीन डाइजेशन स्टमक में स्टार्ट हुआ, स्टमक ठीक है क्या? हाँ सर। उसके बाद में अभी आगे अपन स्मॉल इंटेस्टाइन, स्मॉल इंटेस्टाइन में तीन रीजन अपन ने पढ़े थे, एक पढ़ा डियोडेनम, दूसरा जेजुनम, आपका स्मॉल इंटेस्टाइन है, ये अलग अलग एंजाइम को प्रोड्यूस करना स्टार्ट करता है, जैसे आपका डाइपेप्टाइडेज हो गया, इंटरोकाइनेज हो गया, न्यूक्लियस हो गया, माल्टेज हो गया, तो अलग अलग एंजाइम्स कल अपन ने लिखे थे, तो स्मॉल इंटेस्टाइन ये सारे एंजाइम को प्रोड्यूस करता है। इसके अलावा हमारे पास में एसेसरी ऑर्गन्स होते हैं, कौन से रे? लीवर एंड पैंक्रियाज, ना लीवर और पैंक्रियाज एसेसरी ऑर्गन है जो डाइजेशन जो है लीवर और पैंक्रियास जो है ये आपके लीवर और पैंक्रियास आपका एसेसरी ऑर्गन है, बराबर। अगर ये एक्सेसरी ऑर्गन है इसका मतलब ये हेल्प कर रहे हैं, किसको हेल्प कर रहे हैं? ये हेल्प कर रहे हैं आपके डाइजेस्टिव सिस्टम, ठीक है। अब देखो कि लीवर जो है ये बाइल को प्रोड्यूस करता है, तो कोलेस्ट्रॉल का कन्वर्शन ये बाइल सॉल्ट में करता है, बाइल सॉल्ट को भेजता है गॉल ब्लैडर में, गॉल ब्लैडर में उसको स्टोर करके रखा जाता है, बराबर। उसके बाद में आपका जो पैंक्रियाज है ये अलग अलग हार्मोन का प्रोडक्शन करता है, जैसे पैंक्रियाटिक अमाइलेज हो गया, न्यूक्लियस हो गया, लाइपेज हो गया, ट्रिप्सिन हो गया या ट्रिप्सिनोजन हो गया, कीमोट्रिप्सिनोजन हो गया, इसको पैंक्रियाज प्रोड्यूस करता है। पैंक्रियाज जो है ये सारे एंजाइम्स को रिलीज करता है कहाँ पे? आपके स्मॉल इंटेस्टाइन, स्मॉल इंटेस्टाइन में भी कहाँ पे? जो पहला वाला आपका जो रीजन है जिसको अपन डियोडेनम बोल रहे, ठीक है, इसमें सारा कंटेंट आपका पैंक्रियास भेजता है, ठीक है क्या यहाँ तक? गॉल ब्लैडर के पास में जो है बाइल एसिड वो उसको वहां पे रिलीज करेगा। किस लिए रिलीज किया जा रहा है? ताकि आप ज्यादा से ज्यादा डाइजेशन जो है अभी कर सको, है ना। तो हमारे पास में जो हिपेटिक डक्ट था इससे अपने बाइल को डायरेक्ट स्मॉल इंटेस्टाइन में भेज सकते हैं, या फिर हम इसको गॉल ब्लैडर में स्टोर करके गॉल ब्लैडर से फिर स्मॉल इंटेस्टाइन में भेज सकते हैं। पैंक्रिया जो है ये अपने सारे कंटेंट को स्मॉल इंटेस्टाइन में भेजेगा, तो डियोडेनम जो है इसमें सारे कंटेंट को यहाँ पे रिलीज किया जाता है। रिलीज करने के बाद में क्या होगा रे, ये जो आपके एंजाइम्स है ये एंजाइम्स अभी क्या करेंगे, ये एंजाइम डाइजेशन करना स्टार्ट करेंगे। तो डाइजेशन किसका होगा? तो डाइजेशन हमने पढ़ा था कि प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट, इनका डाइजेशन पहले से ही स्टार्ट हो चुका है, बराबर। इसका डाइजेशन कंटिन्यू चलेगा, बराबर। जो कुछ प्रोटीन्स कार्बोहाइड्रेट बचे हैं वो फिर से यहाँ पे हाइड्रोलाइज किए जाएंगे, फिर से इनको स्मॉल यूनिट्स में कन्वर्ट किया जाएगा। तो फैट जो है इसका डाइजेशन अभी स्टार्ट हुआ, फैट का डाइजेशन अभी अपन ने स्टार्ट किया है, समझ में आया क्या? ठीक है। तो फैट का डाइजेशन कहाँ पे स्टार्ट होता है? ड्यूओडेनम में,
कार्बोहाइड्रेट का डाइजेशन कहाँ पे स्टार्ट होता है? माउथ में. इनका डाइजेशन कहाँ पे स्टार्ट होता है? स्टमक में. यहाँ तक ठीक है? हाँ सर. चलो, ये होने के बाद में फूड जो है, ये सारा फूड का जो डाइजेस्टेड फूड है उसको भेजा जाएगा कहाँ पे? नेक्स्ट पार्ट की तरफ, मतलब जेजुनम एंड इलियम के पास में. बराबर है क्या? बराबर. हाँ, यहाँ पे भेजने के बाद में यहाँ पे न्यूट्रिएंट का एब्जॉर्प्शन स्टार्ट हो जाएगा. यहाँ पे न्यूट्रिएंट का एब्जॉर्प्शन स्टार्ट हो जाएगा. बराबर है क्या? हाँ सर. न्यूट्रिएंट एब्जॉर्प्शन यहाँ पे स्टार्ट होगा, तो आपको जो जो मैंने बताया ना वही आपको याद रखना है. न्यूट्रिएंट एब्जॉर्प्शन जेजुनम एंड इलियम में होता है, और डाइजेशन जो है मोस्ट ऑफ द फूड का ये ड्यूओडेनम में होता है. ठीक है, अब फूड डाइजेस्ट हो गया, आपके पास में जो न्यूट्रिएंट थे, आपके पास में जो अमीन एसिड था, तो हमने ये ट्रांसपोर्टर सिस्टम में पढ़ा था सेकेंड यूनिट में कि ग्लूकोज को ट्रांसपोर्ट करना है तो 2 सोडियम आयन को यूज करो. हेलो, आवाज आ रहा है ना? हाँ सर. अमीनो एसिड, ग्लूकोज, जो भी आपको एब्जॉर्ब करना है, तो इसके लिए हमारे पास में ट्रांसपोर्टर होता है ना, तो 2 सोडियम आयन को यूज करके अमीनो एसिड को ट्रांसपोर्ट करता है, 2 सोडियम आयन को यूज करके ग्लूकोज का ट्रांसपोर्टर करता है. बराबर. तो इंटेस्टाइन, जो आपका स्मॉल इंटेस्टाइन है, स्मॉल इंटेस्टाइन में जो आपका 2 रीजन्स है, ड्यूओडेनम एंड सॉरी जेजुनम एंड इलियम, इसके जो एंटेरोसाइट है, इसके जो सेल्स है, ये इनके ऊपर ये ट्रांसपोर्टर्स प्रेजेंट है जो मैक्सिमम अमीनो एसिड एंड ग्लूकोज का एब्जॉर्प्शन कर रहे हैं. ठीक है. हाँ. आपके पास में कुछ मेटल आयंस होंगे, आपके पास में मेटल आयंस के अलावा आपके पास में कुछ कोएंजाइम्स होंगे, विटामिन्स होंगे, तो सबका एब्जॉर्प्शन यहाँ पे होगा. बराबर. उसके बाद में नेक्स्ट एक पॉइंट याद रखना कि हमने क्या पढ़ा था, अरे स्टमक जो है इसमें सिर्फ किसका एब्जॉर्प्शन होता है? अल्कोहल, एस्प्रिन एंड कैफीन का. बाकी स्टमक है इसमें एब्जॉर्प्शन का कोई न्यूट्रिएंट का एब्जॉर्प्शन नहीं होता है. ठीक है ना? तो एब्जॉर्प्शन कहाँ पे हो रहा है? सिर्फ स्मॉल इंटेस्टाइन. ठीक है. अब जो अनएब्जॉर्ब फूड है, या पहले बात कर लेते कि एब्जॉर्प्शन तो कर लिया. एब्जॉर्प्शन करेंगे तो कैसे करेंगे? देखो यहाँ पे आपके पास में ये, फॉर एग्जांपल लिपिड एब्जॉर्प्शन की बात करते हैं अपन, आपके पास में ये लार्ज लिपिड मॉलिक्यूल था, लार्ज लिपिड मॉलिक्यूल था, और लार्ज लिपिड मॉलिक्यूल जो है इसको आप डायरेक्टली एब्जॉर्ब नहीं कर सकते, इसलिए हमें हेल्प लेनी पड़ती है बाइल की. बाइल को जैसे ऐड करते हैं तो ये इमल्सीफायर है, तो ये इसको छोटे छोटे पार्ट में कन्वर्ट कर लेगा. छोटे छोटे पार्ट का मतलब है फैटी एसिड, ग्लिसरॉल एंड अदर कंपोनेंट. ठीक है क्या? इसको फिर इंटेस्टाइन एब्जॉर्ब करेगा. ठीक है, इसको फिर इंटेस्टाइन एब्जॉर्ब करेगा, और इंटेस्टाइन एब्जॉर्ब करने के बाद में, इंटेस्टाइन एब्जॉर्ब करने के बाद में क्या होगा कि ये जो लिपिड है आपका, ये एंटर करेगा इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में. कहां पे एंटर करेगा? इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में. ठीक है, कहां पे एंटर करेगा? इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम. और इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो है ये फिर आपको एक मॉलिक्यूल बना के देगा जो लिपिड का ट्रांसपोर्टर होता है. तो स्मॉल इंटेस्टाइन में हम क्या बनाते हैं? काइलोमाइक्रोन. सुना है क्या काइलोमाइक्रोन? हाँ सर. काइलोमाइक्रोन एक लिपोप्रोटीन होता है जिसका काम होता है जितना भी आपके पास में कोलेस्टेरॉल या फिर फैट है या लिपिड है उसको लीवर की तरफ ट्रांसपोर्ट करना फ्रॉम द इंटेस्टाइन. तो काइलोमाइक्रोन का सिंथेसिस कहाँ पे होता है? आपके स्मॉल इंटेस्टाइन. किया क्या ये पॉइंट?
यहाँ तक। उसके बाद में हम पहुंच गए अभी स्मॉल इंटेस्टाइन से लार्ज इंटेस्टाइन, स्मॉल इंटेस्टाइन से लार्ज इंटेस्टाइन, ठीक है क्या? लार्ज इंटेस्टाइन जो है यहाँ पे क्या होगा, लार्ज इंटेस्टाइन में तो न्यूट्रिएंट का एब्जॉर्प्शन नहीं होता, तो लार्ज इंटेस्टाइन में क्या करेंगे? जो भी न्यूट्रिएंट है ये अपन ने एब्जॉर्ब किया स्मॉल इंटेस्टाइन में, बट हमने वाटर की कहीं पे भी बात नहीं की, ठीक है? तो लार्ज इंटेस्टाइन जो है इसमें जो भी बचे हुए आयंस रहेंगे और वाटर रहेगा, इसका एब्जॉर्प्शन होगा। समझ में आया क्या? इसका एब्जॉर्प्शन होगा आयंस एंड आयंस का, ठीक है क्या यहाँ तक? हाँ सर। हाँ, अगर वाटर बहुत ज्यादा अगर आप एब्जॉर्ब करते हो तो जो भी एक्सक्रीटा है उसमें वाटर की कमी रहेगी, कंडीशन को अपन बोलेंगे कॉन्स्टिपेशन, ठीक है? और अगर वाटर आप बहुत कम एब्जॉर्ब कर पा रहे हो, वाटर आपका फिकल मैटर में एक्सक्रीटा में बहुत ज्यादा है, तो उसका अपोजिट कंडीशन होता है, कॉन्स्टिपेशन का अपोजिट कंडीशन होता है, उसको बोलते हैं डायरिया। तो डायरिया वाला कंडीशन है या कॉन्स्टिपेशन वाला कंडीशन है डिपेंड करता है कोलोन के वाटर एब्जॉर्प्शन के ऊपर, मतलब लार्ज इंटेस्टाइन के वाटर एब्जॉर्प्शन के ऊपर, और जितना ज्यादा आप वाटर एब्जॉर्ब करोगे उतना आपका वाटर का लॉस कम होगा, ठीक है? उसके बाद में जो लार्ज इंटेस्टाइन होते हैं इसमें होता है बैक्टीरियल पॉपुलेशन, जिसको अपन बोलते हैं कॉमन सेल्स, ठीक है? तो यहाँ पे आपका जो ई कोलाई है या बाकी के जो आपका बैक्टीरियल पॉपुलेशन है, ये क्या करता है, जो भी अनडाइजेस्टेड फूड है उसको डाइजेस्ट करता है, मतलब उसको वो यूटिलाइज करते हैं। जैसे एग्जांपल मैं बताता हूँ, स्टाइकोज, स्टाइकोज जो है ये आपका टेट्रासाइक्राइड है। स्टाइकोज जो है ये पीज बीन्स जो होते हैं इसमें इसका कॉन्सेंट्रेशन बहुत ज्यादा होता है। इसका कॉन्सेंट्रेशन, स्टाइकोज का कॉन्सेंट्रेशन पीज बीन्स ग्रेन्स इसमें बहुत ज्यादा होता है ना, तो स्टाइकोज को अपन तो एब्जॉर्ब नहीं कर सकते, अपन डाइजेस्ट नहीं कर सकते, क्यों? क्योंकि हमारे पास में इसके अगेंस्ट में एंजाइम नहीं होते। तो जो अनडाइजेस्टेड फूड है जिसको हमने एब्जॉर्ब नहीं किया वो जाएगा लार्ज इंटेस्टाइन और उसको यूटिलाइज करेगा इकोलाई। जो भी न्यूट्रिएंट को यूटिलाइज करता है उसका कन्वर्शन ये CO2 प्लस वाटर में तो करेगा, बट इसके साथ साथ ये गैस का भी प्रोडक्शन करता है, ठीक है क्या? इसके साथ साथ ये गैस का भी प्रोडक्शन करता है, इसलिए हाई स्टाइकोज कंटेनिंग फूड जब भी कोई इंडिविजुअल कंज्यूम करता है तो उसमें गैस का प्रोडक्शन बहुत ज्यादा होता है। तो गैस को हम प्रोड्यूस करके दे रहा है जो लार्ज इंटेस्टाइन में बैक्टीरिया है वो। इसको कॉमन सेल्स इसलिए बोला गया क्योंकि ये हमें इन्फेक्शन कॉज नहीं करते, एक कॉमन सेलिजन में, ठीक है? इकोलाई जो है जो हमारे लार्ज इंटेस्टाइन में है ये हमारे से फूड हमारा जो अनडाइजेस्टेड फूड है उसको यूटिलाइज कर रहे हैं, तो उसके बदले में इकोलाई हमें क्या प्रोवाइड करता है, तो इकोलाई हमें विटामिन के प्रोवाइड करता है एंड बायोटिन प्रोवाइड करता है। बायोटिन कौन सा विटामिन है? B12 साइनोकोबलामिन है। B1 B2 B3 B5 B6 B7 B9 एंड B12, इतने सारे B कॉम्प्लेक्सेस होते हैं ना, होते हैं ना? हाँ सर। हाँ,
देखो याद कैसे रखना, क्या बन गया? ट्रेन, ठीक है, ट्रेन पे बेस्ट फ्रेंड, ट्रेन पे बेस्ट फ्रेंड, टी का मतलब थायामीन, ठीक है, आर का मतलब राइबोफ्लेविन, एन का मतलब नियासिन, ठीक है, पी का मतलब पेंटाथोनिक एसिड, ठीक है क्या? दूसरा पी का मतलब पायरेडोक्सामिन, बी का मतलब बायोटीन, ठीक है, और एफ का मतलब फोलिक एसिड। तो विटामिन बी सेवन जो है उसको क्या बोलते हैं अपन? बायोटीन, ठीक है क्या? हाँ सर। तो इकोला जो लार्ज इंटेस्टाइन में है आपको क्या प्रोवाइड कर रहा है? बायोटीन एंड विटामिन के। चलो यहाँ तक ठीक है। हाँ सर। हाँ। उसके बाद नेक्स्ट है हर्बिवोर्स। हर्बिवोर्स जो है इसकी अगर हम बात करते, हर्बिवोर्स में हम डाइजेशन की बात करेंगे रूमिनेंट की, ठीक है, मोस्ट ऑफ दी हर्बिवोर्स जो होते हैं इनमें इनका जो फूड होता है, ठीक है, इनका जो फूड है, इनका फूड में सेलुलोज का कंटेंट बहुत ज्यादा होता है, बराबर है क्या? बराबर है क्या? अरे प्लांट के ऊपर फीडिंग करेंगे तो उसमें तो सेलुलोज ज्यादा रहेगा ना। प्लांट में क्या होता है? सेलुलोज मोस्ट अबंडेंट पॉलीसेक्राइड होता है आपके ब्रेक्सपियर में, क्योंकि वो सभी प्लांट के सेल वॉल में प्रेजेंट है। हर्बीओर जो है ये अगर इसके फूड में सेलुलोज अगर है तो इसके पास में डाइजेस्टिव सिस्टम में सेलुलेज एंजाइम होना जरूरी है, बराबर है क्या? जो किसके ऊपर एक्ट करेगा? सेलुलोज के ऊपर। बट हर्बीओर जो है इसमें सेलुलोज अब्सेंट होता है, डाइजेस्टिव ट्रैक्ट में सेलुलोज के अगेंस्ट में जो एंजाइम है वो अब्सेंट है, तो फिर भी ये डाइजेशन कैसे कर पाता है? तो यहाँ पे मोस्ट ऑफ दी हर्बिवोर्स जो है इसमें सेलुलेज एंजाइम जो है ये अब्सेंट होते हैं। सिर्फ एक एक्सेप्शन है, जैसे जो सिल्वर फिश, ये इंसेक्ट का नाम है जो किसके ऊपर फीडिंग करता है रे? जो बुक के जो अपने पेजेस होते हैं ना, बुक के पेजेस को ये खाते हैं, ठीक है। तो सिल्वर फिश हो गया, अर्थवॉर्म जो है इसमें भी आपका सेलुलोज एंजाइम प्रेजेंट होता है, और शिप वॉर्म, तो सिल्वर फिश, अर्थवॉर्म, शिप वॉर्म, इसमें आपके पास में सेलुलोज के अगेंस्ट में जो एंजाइम है सेलुलेज, ये प्रेजेंट होता है, समझ में आया? बाकी सारे हर्बिवोर्स के पास में सेलुलेज अब्सेंट होता है, ठीक है क्या? हाँ सर। अब देखो ये जो कैटल है या जो भी आपका रिमिनेंट है, तो वो जिस कैटल में या हर्बिवोर्स में रुमेन प्रेजेंट होता है, ठीक है, ये एक पार्ट है डाइजेस्टिव सिस्टम का,
तो जिसमें रूमेन प्रेजेंट होता है उसको अपन ने बोला है रूमिनेंट। इसको अपन ने क्या बोला है? रूमिनेंट। ठीक है क्या? हाँ सर। अब देखो, ये जब भी फूड को खाता है तो आप अगर कैटल को देखोगे, काऊ को देखोगे, तो वो क्या करता है, फूड को खाने के बाद में उसको डाइजेस्टिव ट्रैक्ट में भेजता है। डाइजेस्टिव ट्रैक्ट में भेजिए, ब्लू वाला एरो देखो। हाँ, डाइजेस्टिव ट्रैक्ट में भेजने के बाद में उसको डाइजेस्टिव ट्रैक्ट से फिर से माउथ में लाता है, तो इसको बोला जाता है रीगर्गिटेशन। ठीक है, अपन इसको क्या बोलते हैं? रीगर्गिटेशन। तो फूड जो है ये आपका डाइजेस्टिव ट्रैक्ट में भेजा जाएगा, डाइजेस्टिव ट्रैक्ट से फिर से माउथ में लाया जाएगा, फिर से अपन क्या करेंगे, फिर से उसको अपन क्या करेंगे, क्रश करेंगे, मतलब च्यूइंग करेंगे, उसके बाद में क्रश करने के बाद में फिर से उसको डाइजेस्ट ट्रैक्ट में भेजा जाएगा। ऐसा काऊ बहुत बार करता है। क्यों करता है? क्योंकि जो फूड को ये क्रश कर रहा है, बार बार ये माउथ में ला रहा है, तो च्यूइंग जो है इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द इंक्रीजिंग द सरफेस एरिया ऑफ फूड। जितना ज्यादा उसको क्रश करेगा उतना ज्यादा सरफेस एरिया प्रोवाइड होगा। तो ये फूड का सरफेस एरिया बढ़ाने के लिए क्या करता है, बार बार इसको माउथ में लाके उसको क्रश करता है। ठीक है क्या यहाँ तक? अब देखो, सरफेस एरिया क्यों बढ़ा रहा है, क्योंकि जब फूड आपका रूमेन में एंटर करता है, ठीक है, जब ये आपका इसोफेगस से रूमेन में एंटर करेगा, तो रूमेन और रेटिकुलम ये ऐसे दो स्ट्रक्चर होते हैं जहां पे आपके पास में सेल्यूलेज प्रोड्यूसिंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म है। ठीक है, सेल्यूलेज प्रोड्यूसिंग माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, समझ में आया क्या? इसके पास में सेल्यूलेज है क्या डाइजेस्ट ट्रैक्ट में? नहीं है, तो वो किसी न किसी के ऊपर डिपेंड करना पड़ेगा ना, नहीं तो ये सेल्यूलोज को डाइजेस्ट ही नहीं कर पाएगा। ठीक है, बट ये डाइजेस्ट करता है, तो कैसे डाइजेस्ट करता है? इसके रूमेन एंड रेटिकुलम में सेल्यूलेज प्रोड्यूसिंग माइक्रोब्स होते हैं। ठीक है, हाँ सर। ये जो आपके बैक्टीरिया यहाँ पे प्रेजेंट है, ये अनएरोबिक माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं। ठीक है, अनएरोबिक। अनएरोबिक माइक्रोब्स यहाँ पे प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, अब देखो, ये सेलुलोज प्रोड्यूसिंग है, तो जैसे ही फूड अंदर आएगा, इसके ऊपर आपके ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म क्या करेंगे, वो फूड में से सेलुलोज को यूटिलाइज करना स्टार्ट करेंगे। सेलुलोज को वो क्या करेंगे, डाइजेस्ट करेंगे। डाइजेस्ट करने के बाद में क्या होगा, जितना भी सेलुलोज है फूड में वो डाइजेस्ट होगा। डाइजेस्ट होने के बाद में माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो है इनका पॉपुलेशन बढ़ना स्टार्ट हो जाएगा, बराबर, क्योंकि न्यूट्रिएंट को यूटिलाइज कर रहे हैं, तो इनका पॉपुलेशन बढ़ना स्टार्ट होगा। फूड यहाँ पे डाइजेस्ट होने के बाद में फिर से ये माउथ में लाएगा, माउथ से फिर से वापस फूड जो है ये आपका रूमेन रेटिकुलम में आएगा, वहां पे फिर से डाइजेशन होगा, और वो जो माइक्रोब्स के साथ में जो फूड आपने मिक्स किया है वो एंटर करेगा नेक्स्ट चेंबर में। ठीक है क्या? नेक्स्ट चेंबर कौन सा है रे? ये वाला चेंबर, ये वाला जो चेंबर है इसको बोला जाता है ओमाजम। क्या बोलते हैं अपन इसको? ओमाजम। समझ में आ रहा है क्या? ओमाजम जो है इसमें वाटर एब्जॉर्प्शन होता है, ये आपको याद रखना है। ओमाजम का काम क्या है? वाटर को एब्जॉर्ब करना। ठीक है, हाँ सर।
उसके बाद नेक्स्ट चेंबर में आते हैं, नेक्स्ट चेंबर ये है आपका, ठीक है, नेक्स्ट चेंबर आपका ये वाला है। तो नेक्स्ट चेंबर में क्या हो रहा है, नेक्स्ट चेंबर को बोला जाता है ओबाजम। नेक्स्ट चेंबर को अपन क्या बोलते हैं, ओबाजम। ठीक है, और इसका काम क्या होता है, ये आपका स्टमक की तरह काम करता है। ओबाजम जो है ये स्टमक की तरह काम करता है, मतलब ये HCl को प्रोड्यूस करता होगा, ये प्रोटीएस को प्रोड्यूस करता होगा। ठीक है, तो जितने भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म फूड के साथ में थे वो पहले ओमाजम में आए, ओमाजम में वाटर को एब्जॉर्ब किया गया और फूड को ट्रांसपोर्ट किया गया कहाँ पे, अब ओमाजम की तरफ। अब ओमाजम की तरफ आने के बाद में इसने HCl को प्रोड्यूस किया, प्रोटीएस को प्रोड्यूस किया, और HCl एंड प्रोटीएस जो है ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म को किल करेंगे। ठीक है, यहां तक ठीक है क्या? हाँ। तो ये आपका माइक्रो ऑर्गेनिज्म को किल करेगा। माइक्रो ऑर्गेनिज्म किल करने के बाद में जो भी आपके फूड में प्रोटीन है उसको डाइजेस्ट किया जाएगा विद द हेल्प ऑफ प्रोटीएस। ठीक है, तो रुमेन में और रेटिकुलम में किसका डाइजेशन होता है, सेलुलोज का, बराबर। किसका डाइजेशन होता है, सेलुलोज का। हाँ हेलो, आवाज आ रहा है? हेलो, हाँ सर, बताइए। आपका जो अब ओमाजम है, ये अब ओमाजम HCl का प्रोडक्शन करता है, प्रोटीएस का प्रोडक्शन करता है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म आपके यहाँ पे किल किए जाते हैं और प्रोटीएस जो है ये प्रोटीन का डाइजेशन करेगा, बराबर, या डिग्रेडेशन करेगा। प्रोटीन का डिग्रेडेशन मतलब जो भी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स है ये भी एक प्रोटीन का सोर्स है। तो जो कैटल है इसको नियर अबाउट 100 ग्राम प्रोटीन पर डे जो है ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म से ही मिलता है। ठीक है, तो माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो है इससे आपको 100 ग्राम पर डे प्रोटीन सिर्फ माइक्रो ऑर्गेनिज्म से मिलता है। ठीक है क्या? ठीक है, उसके बाद में जो आपका डाइजेस्टेड फूड है ये स्मॉल इंटेस्टाइन में जाएगा। ठीक है, अब ओमाजम से स्मॉल इंटेस्टाइन, ठीक है, वहां पे आपका फर्दर डाइजेशन होगा और उसके बाद में फाइनली आपका कोलोन से बाहर। ठीक है क्या यहाँ तक? हाँ सर। उसके बाद में नेक्स्ट
कुछ हर्बियोज जो है इसमें, कुछ हर्बियोर्स में जो माइक्रोब्स होते हैं इनका नंबर सफिशिएंट नहीं होता, ठीक है? जो माइक्रोब्स होते हैं इनका नंबर सफिशिएंट नहीं होता, तो डाइजेशन आपका फर्स्ट टाइम में पूरा नहीं होगा। फर्स्ट टाइम में पूरा नहीं होगा तो इसका मतलब मोस्ट ऑफ द फूड जो है अनडाइजेस्टेड है। अनडाइजेस्टेड फूड जो है इसको भेजा जाता है, अनडाइजेस्टेड फूड जो है ये एक्सक्रीटा में बाहर आ जाएगा। तो ये जो ऑर्गेनिजम्स है ये फिर से क्या करते हैं, जो एक्सक्रीटा है उसको रीइंजेस्ट करते हैं, और इस बिहेवियर को बोला जाता है कैप्रोफेज। ठीक है, ये फिकल मैटर जो है इसको क्या करेंगे, फिर से रीइंजेस्ट करेंगे, और रीइंजेस्ट अगर करते हैं, क्यों रीइंजेस्ट करते हैं, क्योंकि फिशेस में अनडाइजेस्टेड फूड ज्यादा है, बराबर, और इस बिहेवियर को बोला जाता है कैप्रोफेजी। ठीक है क्या यहां तक? हाँ अब फूड जो है, फूड मतलब फिशेस, फिशेस ये एंटर करता है इसके कहाँ पे, जो आपका स्मॉल इंटेस्टाइन है, ठीक है, इससे आपका ये ब्रांच ऑफ हुआ है सिकम कैविटी। सिकम कैविटी जो है इसमें फूड आने के बाद में यहाँ पे फिर डाइजेशन किया जाता है, और डाइजेशन होने के बाद में फिर आपका न्यूट्रिएंट जो है उसको एब्जॉर्ब किया जाता है। ठीक है, हाँ सर सर और उसके बाद सिकम कैविटी जो है, ये सिकम कैविटी आपको ह्यूमंस में भी देखने को मिलती है, जिसको अपन बोलते हैं अपेंडिक्स, जिसका हमें कोई भी काम नहीं है। जैसे अपन बोलते हैं ना, इसको अपेंडिक्स हो गया, अपेंडिक्स हो गया मतलब वो अपेंडिक्स होता ही है, ठीक है, वो डाइजेस्टिव सिस्टम का पार्ट है, बट हमें उसका कोई भी यूज नहीं है, क्योंकि ये हमारा बिहेवियर नहीं है। ठीक है, ये हमारा बिहेवियर नहीं है, इसलिए वो कैविटी का हमें काम नहीं है, इसलिए हमने वो स्ट्रक्चर को रिड्यूस कर दिया, बट वो हमारे एंसेस्टर में था, इसलिए हम उसको पूरी तरीके से गायब नहीं कर सकते। ठीक है ना, वो ऐसा होगा ही नहीं कि इसमें डेवलपमेंट ही नहीं हुआ है अपेंडिक्स का, ऐसा पॉसिबल ही नहीं, क्योंकि वो हमारे एंसेस्टर के पास में था, उसके जीन हम अभी भी हमारे पास में है, इसलिए अपेंडिक्स अभी भी आपके डाइजेस्ट सिस्टम में दिखाई देता है, बट उसका स्ट्रक्चर रिड्यूस हो गया, क्योंकि हमने उसका यूज कम कर दिया, उसका कुछ यूज ही नहीं है। तो हम ऐसा कोई भी ऑर्गन डेवलप नहीं करते, या उसमें ज्यादा एनर्जी वेस्ट नहीं करते, उसके डेवलपमेंट में ज्यादा एनर्जी वेस्ट नहीं करते, जिसका हमें कुछ भी काम नहीं है। जैसे अपेंडिक्स जिसका काम नहीं है, तो उसके डेवलपमेंट में हम ज्यादा एनर्जी वेस्ट नहीं करेंगे, इसलिए उसका स्ट्रक्चर जो है ये अनडेवलप्ड है, ये उसका स्ट्रक्चर रिड्यूस हो चुका है। समझ में आया क्या? हाँ सर चलो, सर हाँ, फिर किसी किसी को अपेंडिक्स हो जाता है, वो किसके वजह से होता है? अरे अपने वही बोल रहा हूँ ना, अपेंडिक्स होता नहीं, वो अपेंडिक्स होता है, अपेंडिक्स ऑलरेडी अपने इसमें प्रेजेंट है, बट क्या होता है कि देखो लार्ज इंटेस्टाइन जो है ये यहाँ पे आपका ये छोटा सा पोर्शन है, ठीक है, इसको अपन अपेंडिक्स बोल रहे हैं। कभी कभी क्या होता है, जब फूड सर्कुलेट होता है तो फूड सर्कुलेशन में अगर फॉर एग्जाम्पल एखादा फूड है, जैसे अपन बात कर रहे हैं स्टाइकोस की, है ना, जो अनडाइजेस्टेड है, ऐसे ही अगर कुछ मटेरियल्स होते हैं, जैसे अपन कभी कभी फूड जो है बहुत घाई घाई में खाते हैं ना, तो अगर अच्छे से आपने चबाया नहीं, जैसे राइस हो गया, तो राइस जो है ये आपका स्टमक में गया, स्टमक में जाने के बाद में वो आपका डाइजेस्ट नहीं हुआ, वहां पे स्टमक का कंटेंट आपने भेज दिया कहाँ पे, स्मॉल इंटेस्टाइन, तो
स्मॉल इंटेस्टाइन में उसका बराबर डाइजेशन नहीं हुआ, मतलब उसको अपने बराबर ब्रेक नहीं किया, उसको अपन ने भेजा लार्ज इंटेस्टाइन। लार्ज इंटेस्टाइन में सर्कुलेशन में क्या हो जाता है, जब फूड वहां पे सर्कुलेट होता है धीरे धीरे, तो वहां पे क्या हो जाता है कि एक आधा अनडाइजेस्टेड फूड जो लार्ज पार्टिकल है वो यहाँ पे फंस जाता है। यहाँ पे फंस गया तो माइक्रोब्स जो है यहाँ पे ग्रो करना स्टार्ट करते हैं। वहां पे अगर ग्रो करना स्टार्ट करते हैं तो माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो है उतने एरिया में उनका पॉपुलेशन अगर बढ़ गया, ठीक है, तो वो इन्फेक्शन लाइक कंडीशन वहां पे डेवलप हो जाए, वहां पे टॉक्सिन प्रोडक्शन स्टार्ट हो जाएगा। तो ये अगर कहीं पे भी बॉडी में अगर इन्फेक्शन होता है तो इम्यून सिस्टम उसको रिकॉग्नाइज करके हमें साइन देता है कि आपको यहाँ पे पर्टिकुलर जगह पे कुछ तो भी प्रॉब्लम हुआ है। तो हमारा पेट दुखना स्टार्ट हो जाता है क्योंकि वहां पे अभी आपका जो माइक्रोब है उसकी ग्रोथ स्टार्ट हो चुकी है, वहां पे इन्फेक्शन फैलना स्टार्ट हो चुका है। तो इसलिए हमें सिग्नलिंग दी जाती है कि हमें अभी एब्डोमिनल क्रैम्प होने लगा है, पेट दुखना स्टार्ट हो गया, तो फिर अपन चेकअप करने के लिए जाएंगे तो वहां पे जो अपेंडिक्स है उसके ऊपर स्वेलिंग दिखता है आपको, तो फिर वो डॉक्टर बताते आपको कि आपको अपेंडिक्स हुआ है, उसको निकालना पड़ेगा। तो इसका एक ही तरीका है, यहाँ पे तो मेडिसिन पहुंच नहीं सकती क्योंकि मोस्ट ऑफ द ड्रग स्मॉल इंटेस्टाइन में एब्जॉर्ब हो जाते हैं, है ना। तो इसलिए इसको फिर कट किया जाता है। इसको कट करने के बाद में हमारे डाइजेशन के ऊपर कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ता, क्यों, क्योंकि हम इसका यूज ही नहीं कर रहे, ठीक है क्या यहाँ तक। चलो उसके बाद में नेक्स्ट रेगुलेशन, रेगुलेशन की अगर हम बात करेंगे तो फर्स्ट जो फूड होता है आपके स्टमक में, ये अगर फूड स्टमक में पहुंचेगा तो स्टमक जो है ये गैस्ट्रिन हार्मोन को प्रोड्यूस करना स्टार्ट करते हैं। किसको, गैस्ट्रिन। दिख रहा है क्या ये जो लिखा है वो, दिख रहा है क्या? हाँ दिख रहा है सर। गैस्ट्रिन का प्रोडक्शन हो गया, किसने किया, स्टमक म्यूकोसल सेल ने, ठीक है। गैस्ट्रिन का प्रोडक्शन होने के बाद में आपका गैस्ट्रिन जो है ये ब्लड में आ गया, ठीक है क्या। गैस्ट्रिन ब्लड में आ गया मतलब ये अलग अलग टिश्यू के पास नहीं पहुंचेगा। गैस्ट्रिन जब ब्लड में आता है तो ये अलग अलग टिश्यू के पास में पहुंचेगा, उसमें से एक स्टमक भी तो रहेगा, बराबर। स्टमक को अगर गैस्ट्रिन का कॉन्सेंट्रेशन बढ़ते हुए दिखा है तो स्टमक क्या करता है, HCl का प्रोडक्शन करना स्टार्ट कर देते हैं, ठीक है क्या यहाँ तक। यहाँ तक ठीक है, आवाज कट गई थी सर। आवाज कट रहा है? हाँ सर। देखो फूड अगर स्टमक में आता है तो गैस्ट्रिन प्रोड्यूस करेगा, बराबर। गैस्ट्रिन प्रोड्यूस हो गया तो गैस्ट्रिन स्टमक को ही एक्टिवेट करेगा फॉर द प्रोडक्शन ऑफ HCl एंड पेप्सिन, ठीक है। HCl और पेप्सिन का अगर प्रोडक्शन हो गया तो जो भी आपका स्टमक है उसकी मोटिलिटी बढ़ जाती है। मोटिलिटी मतलब अंदर के अंदर वो क्या कर रहा है, आपके फूड को और एसिड को मिक्स कर रहा है चाइम बनाने के लिए, बराबर। क्योंकि फूड आया आपको डाइजेशन करना है ना, तो गैस्ट्रिन का काम होता है स्टमक की मोटिलिटी को बढ़ाना, HCl का प्रोडक्शन करना और पेप्सिन का प्रोडक्शन करना, ठीक है। स्टमक का मोटिलिटी बढ़ गया मतलब एसिड चाइम प्रोड्यूस हो गया, एसिडिक चाइम जो है उसको फिर ट्रांसपोर्ट किया जाता है स्मॉल इंटेस्टाइन, ठीक है। स्मॉल इंटेस्टाइन में अगर एसिड आ गया, एसिडिक चाइम आ गया, मतलब उसकी पीएच तो बहुत कम रहेगी, बराबर। स्टमक का पीएच 1-3 होता है, बट स्टमक का पीएच 1-3 होता है, बट जैसे ही अपन स्मॉल इंटेस्टाइन में आते हैं तो उसका पीएच स्लाइटली अल्कलाइन हो जाता है, समझ में आ रहा है। ऐसा क्यों हो रहा है, चाइम तो एसिडिक था मतलब उसका पीएच कम था, फिर स्टमक में आने के बाद में ऐसा क्या हुआ,
एसिड चाइन जैसे ही स्मॉल इंटेस्टाइन में आता है तो स्मॉल इंटेस्टाइन जो ये सिक्रेटिन को प्रोड्यूस करना स्टार्ट करता है। किसको प्रोड्यूस किया? सिक्रेटिन। ठीक है क्या? हाँ सर। सिक्रेटिन प्रोड्यूस किया इंटेस्टिनल स्मॉल इंटेस्टिनल म्यूकोसा सेल ने। सिक्रेटिन का कॉन्सेंट्रेशन जैसे ही बढ़ता है तो बाइकार्बोनेट जो है इसको प्रोड्यूस किया जाता है फ्रॉम द पैंक्रियास। तो पैंक्रियास क्या करेंगे? बाइकार्बोनेट को प्रोड्यूस करेंगे। बाइकार्बोनेट अगर प्रोड्यूस करता है पैंक्रियास तो जो भी एसिड है उसको न्यूट्रलाइज किया जाएगा, क्योंकि ये क्या है आपका बेस है जो एसिडिक पोर्शन को क्या करेगा? न्यूट्रलाइज करेगा। ठीक है क्या? हाँ सर। हाँ सर। तो एक तो बात हो गई कि जो एसिडिक चाइन था स्टमक में, ठीक है, उसको प्रोड्यूस करना है तो गैस्ट्रिन को रिलीज करो। तो अपन बोलेंगे फूड स्टमक में आया, गैस्ट्रिन प्रोड्यूस हुआ तो HCl पेप्सिन रिलीज हुआ। HCl पेप्सिन रिलीज हुआ तो स्टमक में चाइन बना। एसिडिक चाइन जो है ये फिर स्मॉल इंटेस्टाइन में ट्रांसपोर्ट किया गया, क्योंकि मोटिलिटी आपकी बढ़ गई स्टमक की, बराबर। इसको ट्रांसपोर्ट करने के बाद में एसिडिक चाइन जो है ये आपका सिक्रेटिन के प्रोडक्शन को इंड्यूस करता है। सिक्रेटिन जो है ये स्मॉल इंटेस्टाइन प्रोड्यूस करेगा। सिक्रेटिन के प्रेजेंस में बाइकार्बोनेट का प्रोडक्शन इंड्यूस होता है बाय द पैंक्रियास। बाइकार्बोनेट अगर प्रोड्यूस हो गया तो आपका जो एसिडिक चाइम है वो न्यूट्रलाइज हो जाएगा, इसलिए उसकी पीएच अल्कलाइन हो जाती है। ठीक है। अगर आपका जो स्टमक का फूड है उसमें अपन ने सिर्फ प्रोटीन को ही डाइजेस्ट किया है, कार्बोहाइड्रेट को डाइजेस्ट किया है, बट फैट तो अभी भी अनडाइजेस्टेड है, बराबर है क्या? अनडाइजेस्टेड फैट जो स्टमक से आया है उसके प्रेजेंस में स्मॉल इंटेस्टाइन कोलसिस्टोकाइनिन को प्रोड्यूस करती है। स्मॉल इंटेस्टाइन किसको प्रोड्यूस करती है? कोलसिस्टोकाइनिन को। ठीक है क्या? कोलसिस्टोकाइनिन क्यों प्रोड्यूस हो रहा है रे? क्योंकि आपके फूड में अनडाइजेस्टेड फैट है, इसलिए कोलसिस्टोकाइनिन प्रोड्यूस हो रहा है। कोलसिस्टोकाइनिन प्रोड्यूस हो रहा है इसका मतलब अनडाइजेस्टेड फैट को, लिपिड को आपको डाइजेस्ट करना है, मतलब आपको जरूरत पड़ेगी बाइल की, तो इसलिए गॉल ब्लैडर को एक्टिवेट किया जाता है फॉर द सिक्रीशन ऑफ बाइल या रिलीज ऑफ बाइल। ठीक है क्या यहाँ तक? साथ साथ में आपको लिपिड एंड प्रोटीन को डाइजेस्ट करने के लिए यहाँ पे एंजाइम्स की भी जरूरत होगी, तो पैंक्रियाज को एक्टिवेट किया जाता है फॉर दी एंजाइम प्रोडक्शन और एंजाइम रिलीज। ठीक है क्या यहाँ तक? हाँ सर। तो इन दिस वे अगर आपका जो फूड है इसको डाइजेस्ट करना है तो ये आपका रेगुलेशन है। दूसरी बात यह है कि जब पॉजिटिव रेगुलेशन होता है तो नेगेटिव रेगुलेशन भी वहां पे होता है। तो हम क्या पढ़ेंगे रे कि जब हम क्या पढ़ेंगे, जब आपका स्टमक का मोटिलिटी बहुत ज्यादा बढ़ जाता है, स्टमक का मोटिलिटी बहुत ज्यादा बढ़ जाता है तो उस केस में एसिडिक चाइम आपके स्मॉल इंटेस्टाइन में बहुत ज्यादा आएगा, बराबर है क्या? बहुत ज्यादा अनडाइजेस्टेड फैट है तो कोलसिस्टोकाइनिन बहुत ज्यादा प्रोड्यूस होगा। तो ये क्या कर देता है कि आपका कोलसिस्टोकाइनिन जो है ये एसिडिक चाइम अभी ज्यादा नहीं आना चाहिए, इसलिए आपके स्टमक के मोटिलिटी को स्लो कर देता है। ठीक है। वैसे ही सिक्रेटिन जो है ये क्यों प्रोड्यूस होता है? क्योंकि एसिडिक कंडीशन बहुत ज्यादा जनरेट हुई है ना, और वो क्या करता है एसिडिक कंडीशन को न्यूट्रलाइज करने के लिए बाइकार्बोनेट प्रोडक्शन के लिए पैंक्रियास को एक्टिवेट करता है, तो वो एसिडिक चाइम का अभी रिलीज ज्यादा नहीं होना चाहिए इसलिए स्टमक का मूवमेंट स्लो कर देगा। ठीक है। अगर स्टमक में HCl बहुत ज्यादा प्रोड्यूस हुआ है इसका मतलब पीएच बहुत कम हो चुका है। पीएच अगर बहुत ज्यादा कम हो चुका है तो लो पीएच जो है इस पे गैस्ट्रिन इनहिबिशन को आपको रिलीज करना है, क्योंकि बहुत ज्यादा HCl प्रोड्यूस कर लिया, अभी अब मेरे को गैस्ट्रिन की जरूरत नहीं है, क्योंकि और गैस्ट्रिन प्रोड्यूस करेंगे आप तो और ज्यादा एसिडिक कंडीशन आएगा, तो एसिडिक कंडीशन अभी ज्यादा नहीं चाहिए, तो गैस्ट्रिन
रिलीज को अपन इनिबिट कर देते एट अ लो पीएच, तो यहाँ पे लो पीएच जो है ये गैस्ट्रिन रिलीज को इनिबिट करता है, ठीक है क्या? हाँ सर। उसके बाद ये रेगुलेशन आपको पता है इंसुलिन एंड ग्लूकागॉन का, हमने पढ़ा है कि अगर जब भी ग्लूकोज बढ़ता है तो इंसुलिन का कॉन्सेंट्रेशन हम बढ़ाते हैं, और जब ग्लूकोज का कॉन्सेंट्रेशन घटता है तब हम क्या करते हैं ग्लूकागॉन का कॉन्सेंट्रेशन बढ़ाते हैं, ठीक है? हाँ सर। चलो उसके बाद लास्ट रेगुलेशन ऑफ फूड इनटेक, रेगुलेशन ऑफ फूड इनटेक। अब देखो फूड इनटेक का भी रेगुलेशन होता है, कितना खाना चाहिए और कितना नहीं खाना चाहिए। अगर आपको भूख लगती है, ठीक है, भूख अगर लगती है तो हम बोलेंगे कि सेंसेशन होता है हंगर का, बराबर। और आपको भूख नहीं लगी है, पेट भर के है, तब तो बोलेंगे वो कंडीशन को सटाइटी बोला जाता है, बराबर। तो दो टाइप के कंडीशन है, एक है हंगर और दूसरा है सटाइटी, ठीक है। तो फूड इनटेक किस केस में होगा? हंगर के केस में, ठीक है। और फूड इंटेक को इनहिबिट किस केस में करेंगे? ठीक है यहां तक? हाँ सर। अब देखो ये जो सेंसेशन है हंगर का या फिर सटाइटी का, इसको इंड्यूस करता है हाइपोथैलेमस, या रेगुलेट करता है कौन? हाइपोथैलेमस। ठीक है यहां तक? हाँ सर। हाइपोथैलेमस का जो रीजन, आपकी ये दो सेंसेशन को रेगुलेट करता है, एक होता है वेंट्रोमीडियल हाइपोथैलेमस, ठीक है, और दूसरा होता है लैटरल हाइपोथैलेमस। तो लैटरल हाइपोथैलेमस एंड वेंट्रोमीडियल हाइपोथैलेमस, अगर हम वेंट्रोमीडियल हाइपोथैलेमस की बात करते और वेंट्रोमीडियल हाइपोथैलेमस को अगर डैमेज करेंगे, ठीक है, इसको अगर हम डैमेज करते हैं तो फूड इंटेक बढ़ जाता है। तो फूड इंटेक बढ़ जाता है, फूड इंटेक बढ़ेगा तो जो इंडिविजुअल है वो ओबेस कंडीशन में आएगा, बराबर है क्या? अगर लैटरल रीजन को हम डैमेज करते हैं, लैटरल हाइपोथैलेमस को हम डैमेज करते हैं, तो उस केस में आपका फूड इंटेक डिक्रीज हो जाएगा। फूड इंटेक डिक्रीज हो जाएगा,
तो फूड इंटेक अगर डिक्रीज होता है तो इस केस में इंडिविजुअल का वेट घट जाएगा, ये थीन हो जाएगा, ठीक है क्या यहाँ तक? हाँ मतलब आपका जो वेंट्रोमेडियल रीजन है ये किसको कंट्रोल करता है रे? ये फूड इंटेक को कंट्रोल करता है, बराबर है? हाँ हाँ इसको डैमेज कर दिया मतलब फूड इंटेक को जो कंट्रोल कर रहा था ये वो हट गया ना, मतलब फूड इंटेक ये ज्यादा कर रहा है, मतलब वेंट्रोमीडियल रीजन जो है ये सटाइटी के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, ठीक है? हाँ सर और लैटरल हाइपोथैलेमस जब डैमेज होता है तो फूड इंटेक कम हो जाता है, मतलब ये इंड्यूस करता है किसको? ये इंड्यूस करता है हंगर को, हंगर को। हाँ ठीक है क्या यहाँ तक? सर ठीक है सर। चलो उसके बाद में नेक्स्ट हाइपोथैलेमस के अलावा भी आपके पास में जो ग्लूकोज एंड इंसुलिन कॉन्सेंट्रेशन है ये भी आपके हंगर एंड सेटाइटी को इन्फ्लुएंस करता है। जैसे अपन बोलते हैं कि ग्लूकोज आपके पास में बहुत ज्यादा है, बराबर? ग्लूकोज बहुत ज्यादा है, इंसुलिन ज्यादा प्रोड्यूस होगा, बराबर? ग्लूकोज ज्यादा है, इंसुलिन ज्यादा है, तो उस केस में भूख लगनी चाहिए कि नहीं लगनी चाहिए? इंसुलिन ज्यादा है, सॉरी ग्लूकोज ज्यादा है तो इंसुलिन प्रोडक्शन ज्यादा हो जाएगा, बराबर है क्या? और अगर ये हाँ ज्यादा है तो भूख लगनी चाहिए कि नहीं लगनी हाँ चाहिए? नहीं लगनी चाहिए। नहीं लगनी चाहिए, तो ये हंगर को इनिबिट कर देता है, फूड इंटेक को कम कर देता है, समझ में आया क्या? सिंपल है, नहीं है? और हाँ अगर इनका कॉन्सेंट्रेशन लो हो गया तो फिर वो हंगर को इंड्यूस करेगा, ठीक है? तो इसका अपोजिट अगर आपको लिखना है तो आप लिख सकते हैं। उसके बाद में नेक्स्ट एक ओबी जीन होता है, ठीक है? ओबी जीन जो ओबेस है इससे अपन ने लिखा है, तो ओबेस ओबेस जीन जिसको अपन ओबी जीन भी बोल सकते हैं, ठीक है? जो वाइल्ड टाइप ओबी होता है, ठीक है, वाइल्ड टाइप ओबी जो होता है ये एक्टिव प्रोटीन को कोड करता है। कौन से प्रोटीन को कोड करेगा? तो ये कोड करता है लेप्टिन प्रोटीन को। कौन से प्रोटीन को? लेप्टिन प्रोटीन को, ठीक है क्या? ठीक लेप्टिन प्रोटीन जो है इट इज प्रोड्यूस्ड बाय फैट सेल। कौन से सेल प्रोड्यूस करते हैं ये? फैट सेल। तो वाइल्ड टाइप जो आपका ओबी जीन है इन फैट सेल ये प्रोड्यूस करता है किसको? आपके लेप्टिन। लेप्टिन जो है ये इनिबिट करता है हंगर को और इंड्यूस करता है सटाइटी को। मतलब इस केस में क्या होगा रे? इस केस में फूड इंटेक कम होगा, फूड इंटेक कम होगा, ठीक है क्या? हाँ सर हाँ। तो लेप्टिन का काम क्या होता है?
हंगर को इनिबिट करना और सटाइटी को इंड्यूस करना, मतलब फूड इंटेक कम होगा, फूड इंटेक कम होगा तो बॉडी का फैट लॉस हो जाएगा। ठीक है क्या? हाँ सर। हाँ सर। ये कैसे इंड्यूस करता है रे ये दोनों को? सटाइटी को इनिबिट, सटाइटी को एक्टिवेट कर रहा है और आपके हंगर को इनिबिट कर रहा है, तो सिग्नलिंग होती होगी ना। तो सिग्नलिंग कैसे होती है? जो हाइपोथैलेमस है, जो हाइपोथैलेमस है इसके ऊपर, इसके ऊपर रिसेप्टर होता है, किसका? लेप्टिन का। किसका? लेप्टिन का। तो लेप्टिन का रिसेप्टर किसके ऊपर है? हाइपोथैलेमस है ना। और हाइपोथैलेमस से तो किसको कंट्रोल कर रहा है? हंगर एंड सटाइटी को। ठीक है, तो इन दिस वे यहाँ पे फूड इंटेक को कंट्रोल किया जाता है। बट जो भी ओबेस पीपल होते हैं ना, तो उनमें जो लेप्टिन है, एक तो लेप्टिन आपका जीन अब्सेंट रहेगा, मतलब वो रिसेसिव रहेगा, बराबर। रिसेसिव म्यूटेशन अगर हो गया तो जैसे अपने बोला लेप्टिन अब्सेंट है, लेप्टिन अब्सेंट कब रहेगा? जब ओबी म्यूटेट रहेगा, बराबर है क्या? ओबी म्यूटेट तो लेप्टिन प्रोड्यूस नहीं होगा, लेप्टिन प्रोड्यूस नहीं होगा तो सिग्नलिंग नहीं होगी, बराबर है ना, बराबर है क्या? अगर सिग्नलिंग अगर नहीं होगी तो आप हंगर एंड सटाइटी को कंट्रोल नहीं कर सकते। तो जो पीपल होते हैं ना, जो ओबेस होते हैं, उनमें ओबी जीन म्यूटेट होता है, वो लेप्टिन को प्रोड्यूस नहीं कर सकते, तो उनको बार बार भूख लगती, बराबर, उनको सेंसेशन आता है हंगर का, उनके पेट में या फिर बॉडी में फैट ज्यादा है, ऑलरेडी फैट ज्यादा है, आपको लेप्टिन प्रोड्यूस करके फैट को कम करना है। लेप्टिन प्रोड्यूस करोगे तो हाइपोथैलेमस एक्टिवेट होगा और उसका सटाइटी वाला रीजन एक्टिवेट होगा, सटाइटी वाला कंडीशन आएगा और हंगर वाले को इनिबिट करेंगे, तो आप ज्यादा फूड को कंज्यूम नहीं करोगे, मतलब फूड इंटेक कम हो जाएगा तो बॉडी का फैट डिक्रीज होना स्टार्ट हो जाएगा। बट लेप्टिन जिसमें म्यूटेंट है वो सिग्नलिंग नहीं कर सकता हाइपोथैलेमस को, सिग्नलिंग नहीं होगी मतलब हंगर आपके कंट्रोल में नहीं रहेगा, सटाइटी का सिग्नल ही एक्टिवेट नहीं होगा। तो नो सिग्नलिंग मीन्स हंगर वाला कंडीशन, बराबर है क्या? हंगर वाला कंडीशन मतलब फूड इंटेक बढ़ जाएगा, फूड इंटेक अगर बढ़ता है, फूड इंटेक अगर बढ़ता है तो ओबेसिटी बढ़ेगी, बराबर है क्या? ये कंडीशन फर्स्ट हो गया कि ओबी म्यूटेट है, दोनों के दोनों एलएल आपके पास में म्यूटेट है। ठीक है, यहाँ पे इटैलिक में नहीं निकाल सकते मैं, इसलिए ओबी निगेटिव लिख रहा हूं, ये रिसेसिव है दोनों भी एलएल आपके पास में। दूसरा कंडीशन क्या है रे? दूसरा कंडीशन ये है कि आपके पास ओबी नॉर्मल है, ओबी नॉर्मल है मतलब पॉजिटिव ही है, बट इनका एक्सप्रेशन बढ़ गया है, जो वाइल्ड टाइप था उसके कंपैरिजन में इसका एक्सप्रेशन बढ़ गया है, इसका एक्सप्रेशन बढ़ गया मतलब कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा, कॉन्सेंट्रेशन जिसमें लेप्टिन का ज्यादा होता है वहां पे रिसेप्टर्स एक्टिवेट तो होंगे, बट रिसेप्टर कौन से स्टेट में चले जाएंगे? अपन ने बोला था कि सिग्नलिंग अगर बहुत ज्यादा होता है, तो वहां पे एडेप्टेशन वाला कंडीशन आता है, बराबर है क्या? हाँ सर। ना सिग्नल अगर कंटिन्यूस प्रेजेंट है तो एडेप्टेशन वाला कंडीशन आएगा, मतलब रिसेप्टर नॉन सेंसिटिव हो गया, बराबर।
नॉन सेंसिटिव अगर है तो इसका मतलब क्या, फिर से नो सिग्नलिंग, क्योंकि एडेप्टेशन हुआ है तो सिग्नलिंग क्या करेंगे, ठीक है, तो फिर से आपका ओबेसिटी वाला कंडीशन आया, ठीक है क्या, तो प्रोड्यूस नहीं किया तो भी ओबेसिटी, और प्रोड्यूस बहुत ज्यादा किया, ओवर एक्सप्रेशन किया तो भी ओबेसिटी, ठीक है। एक अपना टॉपिक बचा है एनिमल फिजियोलॉजी में इंडोक्राइन सिस्टम हार्मोन्स का, तो उसको अपन कल पढ़ेंगे, ठीक है। हाँ सर। हाँ।